10 टीमों के साथ शुरू हुआ आईपीएल 2022 का कारवां आज पहुंच जाएगा अपने अंतिम पड़ाव पर और आज के मुकाबले के नतीजे के बाद हमें मिल जाएंगी आईपीएल 2022 की हमारी टॉप टू फाइनल फाइनलिस्ट टीम्स, यानी कि जो लड़ेंगी एक आखिरी और अंतिम बार अहमदाबाद के मैदान पर आईपीएल 2022 की ट्रॉफी के लिए, आईपीएल 2022 में इतिहास रचने के लिए। लेकिन उसके पहले भैया आज का भी मुकाबला है बेहद खास, बेहद खतरनाक, क्योंकि आज है रॉयल बनाम रॉयल्स की लड़ाई। एक तरफ है रजवाड़े ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान रॉयल्स, तो वहीं पर दूसरी तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और भैया दोनों टीमों को जब आप देखते हो ना, स्पेशली दिस ईयर, तो अलग ही फील आता है, क्योंकि वो लड़ाई सिर्फ रॉयल्स बनाम रॉयल की नहीं है, बल्कि लड़ाई है यहां पर यूजी चहल बनाम आरसीबी के, शिमरॉन हेटमायर बनाम आरसीबी, देवदत्त पाडिकल बनाम आरसीबी। आई मीन आधे आरसीबी के जो खिलाड़ी है ना, वो आपको आरआर के कोटा में देखने को मिलते हैं। तो भैया ऐसे में ना, जब आपके घर वाले ही आज आपके खिलाफ हैं, जो एक समय पर आपकी टीम का हिस्सा होते थे, तो फिर भैया मिर्च मसाला और बन जाता है मुकाबले में, और भी ज्यादा माहौल बन जाता है। तो इसीलिए मुकाबला तो ब्लॉकबस्टर धमाकेदार होने वाला है, लेकिन कौन बाजी मारेगा। और हम शुरुआत करेंगे विद द अमेजिंग फैक्ट, और भैया मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, ये फैक्ट सुन के ना आपके माहौल बन जाने वाला, क्योंकि रजवाड़े के फैंस तो खुश होंगे और आरसीबी के फैंस थोड़े से हैरान परेशान होंगे, क्योंकि फैक्ट ये कहता है कि जिस भी टीम ने आईपीएल प्लेऑफ्स के इतिहास में टॉप टू में दूसरे नंबर पर जगह बनाई है, दूसरे नंबर पर फिनिश किया है, वो सभी टीमों ने हर बार आईपीएल फाइनल खेला है, और इस बार जो टीम वो रही है वो है रजवाड़े, वो है राजस्थान रॉयल्स। और ऐसे में क्या ये फाइनल खेल रहे हैं, क्या ये गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट खेलेंगे भैया, ये है सबसे बड़ा सवाल, और इसका इस वीडियो में मैं दूंगा जवाब, मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूं भैया। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कमालदार, बहुत लाजवाब वीडियो है, बट उसके पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, ताकि इस तरीके की खास हम खास वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं फटाफट से आप लोगों तक पहुंचती रहे। और हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे विद द पिच रिपोर्ट, क्योंकि देखिए नई पिच है ना, आप अहमदाबाद चले, आप वो पूरब से पश्चिम की तरफ आ चुके हो, तो गुजरात में आवा दे भैया, बुलावा आया है यहां पर गुजरात टाइटंस का, और वो इंतजार कर रहे हैं फाइनल मुकाबले के लिए। अब अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या है, वो वहां पर ना बड़ी सारी पिचेस बनाई गई हैं, आज आपको लाख के आसपास दर्शक भी देखने को मिलेगा। आई मीन इट्स गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट, जब आप इतने बड़ी जो है दर्शक के सामने खेलने वाले हो, गूंज सुनाई देगी, आरसीबी आरआर, भैया मजा आएगा। खैर पिच की हम बात कर रहे थे यहां पर, तो ये ब्लैक एंड रेड सॉइल का यहां पर जो है थोड़ा सा पिचेस रहती हैं, तो कौन सी सॉइल यूज होगी इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन फिर भी हमने ट्रेंड्स देखे हैं कि शुरुआत में ना जो पिच क्यूरेटर है थोड़ी सी घास छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा यहां पर वो अच्छा बाउंस मिलता है, रन भी बनते हैं और पेसर्स को मदद भी मिलती है, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। और वैसे भी 2021 से अगर आप आंकड़े उठाकर देखोगे ना, तो जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है उस टीम ने इस पिच पर 6 मुकाबले जीते हैं, जिन्होंने बाद में की है उन्होंने 11 मुकाबले जीते हैं मोटेरा स्टेडियम या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, विच एक्चुअली मीन्स कि यहां पर आप टॉस जीतकर चेस करना चाहोगे, और चेस करते हुए टीमों ने यहां पर मुकाबले ज्यादा जीते हैं, ये इस बात के आंकड़े सबूत देते हैं। तो रजवाड़े वैसे वो ज्यादा चेस तो थोड़ा कम ही करते हैं, डिफेंड करने जाते हैं, लेकिन इस बार आंकड़ों को देखकर दोनों टीमें यहां पर चेस के लिए अपने आप को थोड़ा सा आगे रख सकते हैं। और ऐसे में अब हम बात करें यहाँ पर न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में, खबरों के सिलसिले, खबरों के सैलाब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भैया, वो ये कह रहे हैं ना कि राजस्थान रॉयल्स टीम के ऑलराउंडर डैरल मिशेल वो आईपीएल बबल से बाहर चले गए हैं, उन्होंने मतलब राजस्थान रॉयल्स के कैंप को छोड़ दिया है, वो न्यूजीलैंड चले जा चुके हैं, जहां पर उन्होंने अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया है अपकमिंग श्रृंखला के लिए। तो डैरल मिशेल अवेलेबल नहीं है आरआर टीम के लिए, और ऐसे में फिर लगे हाथ प्लेइंग 11 के बारे में आज के क्रूशियल मुकाबले के लिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भैया राजस्थान रॉयल्स टीम क्या कोई बदलाव करेंगे, क्यों करेंगे बदलाव, देखिए आप अच्छी टीम है, आप मतलब गुजरात के खिलाफ आप भले हारे लेकिन आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी, आपने अच्छा परफॉर्म किया था, तो आई डोंट थिंक सो कि ये टीम कुछ खास ज्यादा बदलाव की तरफ देखेगी। वहीं पर बात करें आरसीबी टीम के बारे में, तो ऑब्वियसली यार पिछला मुकाबला क्या बेहतरीन अंदाज में आप जीत कर आ रहे हैं, आपने लखनऊ जैसी मजबूत टीम को हराया, तो बदलाव की जरूरत नहीं है, मोहम्मद सिराज मुझे लगता है अभी भी अपनी टीम के साथ जुड़े रहेंगे, एज इट इज खेलेंगे, और कोई बदलाव शायद ही आपको देखने को मिलेगा। हर्षल पटेल आ चुके हैं, इंजरी कंसर्न थोड़ा सा था, बट आई थिंक ही विल बी फिट एंड ही विल प्ले टुनाइट, क्योंकि उन्होंने बोला था वो पिछले मुकाबले में कि जब तक मैं 4 ओवर फेंक सकता हूं अब मैं खेलने वाला हूं, तो अगर इस तरीके का डिटरमिनेशन है तो मुझे लगता है वो बिल्कुल खेलेंगे। और ऐसे में हम बात करें स्मार्ट स्टैट्स ऑफ द गेम के बारे में भैया, आंकड़ों के बारे में, क्योंकि यहीं से तो मजा आता है, यहीं से वीडियो का अलग ही स्वाद बन जाता है। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं, अब पहला आंकड़ा ये है ना कि जो स्पिनर्स डोमिनेटिंग ये दोनों टीमें हैं वो आज आमने सामने, आईपीएल 2022 में आरआर टीम के स्पिनर्स ने 38 विकेट चटकाई हैं, आरसीबी के
स्पिनर्स ने 35 विकेटें चटकाई हैं। और सच्चाई यही है कि आरआर टीम मोस्ट ऑफ द मैचेस जीतती है जब आरआर के स्पिनर्स विकेटें चटकाते हैं। खैर कितने जीतते हैं वो मैं आपको दूसरे स्टैट में बता देता हूं कि आरआर के स्पिनर्स ने जब भी 3 या फिर 3 से अधिक विकेटें चटकाई हैं आईपीएल 2022 में इस टीम ने हर एक मुकाबला जीता है। तो ऐसे में आरआर के स्पिनर्स यूजी चहल, रविचंद्रन अश्विन अगर ये आज डोमिनेट करते हैं, पिछले मुकाबले में उन्होंने विकेट नहीं चटकाई, टीम मुकाबला हार गई, तो ये विकेट चटकाएंगे तो भैया ये इस टीम के जीत के सूत्र, जीत की कड़ी बन जाएंगे। तो आरआर स्पिनर इन पर आपको तगड़ी निगाहें रखनी है। वैसे भी चहल पहल करते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और उसके बाद हम बात करें यहां पर तीसरे स्मार्ट स्टैट के बारे में, वो ये है कि आरसीबी टीम। वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब मैच था आरसीबी का कि आईपीएल 2022 में आरसीबी के गेंदबाज ने सबसे ज्यादा छक्के खाए हैं। अब मैं आपको बता दूं एक सीजन में 137 छक्के आरसीबी टीम को अब तक पड़ चुके हैं, जो आईपीएल इतिहास में किसी टीम ने एक सीजन में नहीं खाए हैं। तो ऐसे में आरसीबी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के कंसीड किए गए हैं आईपीएल के इतिहास में। एंड दिस इज द स्टैट जो कि ज्यादा आरसीबी के गेंदबाज पसंद नहीं करेंगे कि उनकी ठीक ठाक पिटाई यहां पर हो रखी है। खैर अब हम बात करें यहां पर मैच द मैचअप्स के बारे में, आज के मुकाबले में कौन से मैचअप्स हैं जिनको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं। देखो एक तो वो फिक्स रहता है, उस पर मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। संजू सैमसन वनिंदु हसरंगा 4-5 बार आउट कर रखा है, आज भी आउट कर सकते हैं, तो वो तो एक अलग चीज है, उस पर मैं बार बार नहीं जाने वाला। लेकिन आज का जो मैचअप है वो सबसे बड़ा मैचअप रहेगा डीके अगेंस्ट यूजी चहल, क्योंकि अगर आरसीबी को रोकना है ना तो दिनेश कार्तिक को रोकना कंपलसरी बन जाता है। उनको रोको आरसीबी मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही रुक जाती है, तो आखिर उनको कौन रोक सकता है, यूजी चहल रोक सकते हैं। 10 पारियां 43 गेंदे मात्र 38 रन स्कोर किया, यानी कि 100 के भी कम स्ट्राइक रेट से उनको ये हिट करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं और 3 मरतबा आउट भी हो रखे हैं। तो यूजी चहल के ओवर जरूर बचा कर रखना चाहेगी यहां पर राजस्थान रॉयल्स टीम दिनेश कार्तिक के अगेंस्ट, ताकि दिनेश कार्तिक का जो मास्टर ब्लास्टर है उसको यहां पर रोका जा सके। और उसके बाद जो दूसरा यहां पर मैचअप है ना वो है फाफ डू प्लेसिस अगेंस्ट लेफ्ट आर्म सीमर्स। जी हां, लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट हमने इस खिलाड़ी को आईपीएल 2022 में स्पेशली काफी स्ट्रगल करते देखा। 13 पारियां इन्होंने कुल मिलाकर अब तक खेली हैं आईपीएल में, और लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट 78 गेंदों में 101 रन बनाया और 6 बार आउट हो रखे हैं। तो आज भी आपको लेफ्ट आर्म पेसर कौन देखने को मिलेगा, ट्रेंट बोल्ट देखने को मिलेंगे। तो बोल्ट अगेंस्ट फाफ डू प्लेसिस बहुत ही तगड़ा मैचअप होने वाला है, और उनको मतलब फाफ डू प्लेसिस को बहुत ही संभल के बहुत ही बच कर खेलना पड़ेगा ट्रेंट बोल्ट को। तो वहीं पर ट्रेंट बोल्ट चाहेंगे कि जो 6 बार आउट हो रखे हैं उसको आज 7 कर दिया जाए। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर बात कर लेते हैं लगे हाथ हमारी प्रेडिक्शंस ऑफ द गेम के बारे में, कौन जीत रहा है आज का ब्लॉक बस्टर मुकाबला। देखिए मेरी जो सबसे पहली प्रेडिक्शन है ना वो ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी अलग है आज। जो एक टीम कोई इनमें से, मतलब रॉयल्स दोनों वैसे हैं तो दोनों रॉयल्स ही, लेकिन इनमें से कोई एक टीम मुझे ऐसा लगता है कि पहला विकेट अपना विद इन फर्स्ट 20 बॉल्स लूज कर जाएंगे, यानी कि 20 गेंदों के अंदर किसी एक का पहला विकेट गिरेगा। वो कौन सी टीम है कहना मुश्किल है, मुझे लगता है पता नहीं यार, मुश्किल है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई एक टीम लूज करेगी। और उसके बाद यहाँ पर बात करें दूसरी प्रेडिक्शन के बारे में, तो भैया मैं बैक कर रहा हूँ आज संजू सैमसन एंड दिनेश कार्तिक को। आंकड़े हमने देखे वरिंदु हसरंगा संजू सैमसन के अगेंस्ट, यूजी चहल दिनेश कार्तिक के अगेंस्ट, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये खिलाड़ी आज आपको 5 या फिर 5 से अधिक छक्के कंबाइंड तौर पर हिट करते हुए नजर आएंगे। आज इनके बल्लों से आपको थोड़ा सा ब्लास्ट देखने को मिल सकता है। एंड देन उसके बाद मेरी तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि आरआर के स्पिनर्स आज आरसीबी के स्पिनर से ज्यादा विकेट चटकाएंगे, और अमूमन जब ऐसा होता है तो आरआर टीम मुकाबले जीत जाती है, क्योंकि अगर उनके स्पिनर्स मुकाबले मतलब विकेट चटकाते हैं तो हमने देखा वो जीतते हैं। तो फिर बातचीत की जाए जब विन प्रेडिक्शन ऑफ द गेम के बारे में, कौन जीत रहा है आज का ब्लॉकबस्टर मुकाबला। वो पिछली बार हमने पिक किया था आरसीबी जीत गई थी, लेकिन इस बार क्या होने वाला है, आज कौन जीतेगा ताबड़तोड़ मुकाबला। देखिए इट्स वेरी टफ टू से, बट आई थिंक जिस तरीके की फॉर्म में आरसीबी है, इट्स वेरी टफ टू बीट देम, इट्स वेरी वेरी टफ टू बीट देम। सो आई एम गोइंग विथ आरसीबी। मुझे लगता है कि अगर ये टॉस जीत गए ना, ये बाद में चेज करने चले गए तो ये मुकाबला निकाल जाएंगे, दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि फिर इनके पास वो चेज करने की एबिलिटी भी है फिर, और सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़े भी सपोर्ट करते हैं, और जिस तरीके की फॉर्म, एब्सोल्युटली जिस तरीके की फॉर्म आपकी टीम के पास है, आई थिंक आप मुकाबला निकाल सकते हो। सो आई एम गोइंग विथ आरसीबी। मुझे लगता है वो खेल रहे हैं गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट आईपीएल 2022 का फाइनल। आपको क्या लगता है
ये बातें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में तो शेयर करोगे ही करोगे, और साथ ही साथ मैंने आप लोग को अब पब्लिक पल्स में पूछा भी था कि भैया किसको मिल रही है आईपीएल 2022 फाइनल की टिकट, आप लोगों से प्रेडिक्शंस करने को बोला था एंड 80% हैव गॉन विद आरसीबी, 20% विद आरआर, और मतलब एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड रहता है कि आरसीबी का जो फैन बेस है वो अलग ही लेवल का, उनका क्रेज अलग ही लेवल का है, तो ऑब्वियसली जो वोटिंग है उनमें वो डोमिनेट करेंगे, तो 80% को ऐसा लगता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द आप लोगों को ऐसा लगता है कि भैया आरसीबी आज मुकाबला जीत सकती है। खैर देखते हैं, रजवाड़ों को हल्के में मत लेना, किसी को हल्के में मत लेना, देखिए अगर यहां तक आई है ना जो टीम तो वो क्वालिटी क्रिकेट खेल कर ही आए हैं, तो ऐसे में मजा आएगा। अहमदाबाद में देखते हैं कि आज कौन सी टीम बाजी मारेगी, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी टीमों के लिए बेस्ट विशेष जनरेट करने के लिए आप बस इतना कर सकते हैं कि भैया हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए, फॉलो कर लेंगे ना तो वहां पर बहुत सारे एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट भी आते हैं, मैं फैंटेसी 11 भी वहीं पर शेयर करता हूँ और साथ ही साथ उसके आपके लिए थोड़ी सी बेस्ट विशेष भी जनरेट होती है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।